खान साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब आपने वक्त दिया स्पीकर साहब सब सबसे पहले मैं दुआ गऊँ अल्लाह से असद केसर साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई मज़ीद जितने मरीज हैं अल्लाह सबको शिफा दे और इसके साथ साथ सर मेजर अजगर साहब जो कि तोरखाम बॉर्डर पे स्क्रीनिंग की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और इसके साथ जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज उनको खराज तहसिन पेश करूँगा और जो शहीद हो चुके हैं सब के लिए दुआ और अल्लाह पाक उनको जन्नतफरदोस में अला मकाम दे सर यहाँ बात हो रही थी एटीन अमेंडमेंट की भाई ने बात की सर एटीन अमेंडमेंट का रोना इसलिए रो रहे हैं कि इस टाइम जिस तरह एटीन अमेंडमेंट को ये यूज़ कर रहे हैं मैं ये समझता हूं सबसे पहले एटीन अमेंडमेंट को खत्म होना चाहिए क्योंकि जो वायलेशन एटीन अमेंडमेंट की सिंध में की जा रही है सर वो कहीं नहीं मिलेगी मुझे आप बताएं ये कहते हैं हमने राशन बांटा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया राशन किसको बांटा कहीं सर कोई राशन नहीं बांटा पता नहीं किधर गए पैसे कहा गए पैसे आठ अरब रुपए का राशन आज तक नहीं बता सके एक वजी वजीर इनका उठ के आता है कि डेढ़ लाख राशन बांटा दूसरा आता है दो लाख फिर नौ लाख फिर पंद्रह लाख उसके बाद एक साहब आती है कहती हम रात के अंधेरे में राशन बांटते हैं हमें पता है आप रात के अंधेरे में ही सारे काम कर रहे होते हैं जो सिंध का ये हाल किया गया है ये सब रात के अंधेरे के जो फैसले थे उनमें ये सिंध काल किया गया है सर इसके साथ साथ एक दोस्त ने फरमाया और सर मैं यहाँ चैलेंज करता हूं मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि जितना राशन इन्होंने नहीं बांटा होगा अलहमदुल्ला सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने हटाए आ लेके और हम भी डेटा देते हैं और बताएं इनके थे और थे हम बताएंगे आपको। और इसके साथ साथ एक फाजिल मेंबर कराची से पार्टी के। सर मैं, मैं समझता हूं कि वो कराची किस तरह जाएंगे जो कराची के साथ जहां से वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी आंखों में धूल झोंक कर जो कि कह रहे हैं कि पानी का इशू कराची का इशू नहीं है ऊपर से आप लोग पानी नहीं दे रहे सर मैं फ्लोर के ऊपर चैलेंज देता हूं आप आए कराची में मैं हर घर में आपको पानी दिखाऊंगा या तो उसकी सोर्स चेंज होगी या तो वो टैंकर के जरिए पानी आता है या कहीं से खरीदते बैठा हुआ है वाटर बोर्ड का सारा सिस्टम और ये सर करते क्या है मैं आपको बताता हूं ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि हमने ऑर्डिनेंस भेजा और गवर्नर साहब ने नहीं किया ऑर्डिनेंस में भाई ये वो काम कर रहे हैं जो इनके काम ही नहीं है जो वो फाक के काम है बिलो पे काम करना चाहते हैं सिंध के, है, करें। करें है, के, के साथ इसके साथ साथ चीज मैं यहां बताता चलू आपको यहाँ पे बात की गई भाई ने बात की के, आ, आ, नून लीक वाले भाई ने हमारे बात की गई साहब ने वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही आपका अलग चल रहा है आप कहते हैं, की एक और सुना रहे हैं कि, है कि आपने पंद्रह हजार हर एक मिलियन लोगों पे पंद्रह हजार का टेस्ट करना है पहले तो ये अपना किबला दुरुस्त करें उन्होंने करना क्या है इससे सर साफ बू आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तनकीद कर रहे हैं कोई मशवरा नहीं दे रहे जिस तरह सिंध हुकूमत कर रही है वजीर सिंध सर अनाउंसमेंट में सबसे आगे सबसे आगे है वजीर अला सिंध है और कारकर्दगी में आप जाएंगे सर मैं आपको चैलेंज करता हूं आए रोडों पे आए कराची की सड़कों पे आप आए सिंध की सड़कों पे वहां पे आप देखें क्या हाल है वहां पे लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं सर कल एक बंदे ने खुदकुशी की जब उसकी बीवी से पूछा आपने खुदकुशी क्यों की उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों ने पानी से रोजा खोला सर जिस बाप के सामने उसके बच्चे पानी से रोजा खोलेंगे मैं समझता हूं बेचारा खुदकुशी करेगा ये हाल किया वैसे इनका सर आप पहले तो मुंजो दाड़ो होता था आज आप आए कराची में मुंजो दाड़ो मेरे भाई बता रहे कि पता नहीं ये हॉस्पिटल बना दिया वो हॉस्पिटल में पहले तो समझा शायद कोई लंदन की बात कर रहे हैं फिर बाद में ख्याल आया ये तो सिंध की बात कर रहे हैं मैं तो कह रहा हूं छोड़े आप पार्कर को जो थरपारकर का हल किया जो इंटीरियर सिंध का हल किया आप आए कराची में मैं आपको कराची दिखाता हूँ मैं आपको जिला मलिर दिखाता हूँ जिला कुरंगी दिखाता हूँ ईस्ट दिखाता हूँ मैं एक एक जिले ऐसे ऐसे जिले में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एक और दोस्त बता रहे थे ये हॉस्पिटल की बात कर रहे थे एनआईसीवीडी की सर खुदा के लिए रमजान में झूठ ना बोला करें एन आई सी डी में कितना फंड ये देते हैं हैं सर डोनेशन पे शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर का सर फ्लोर के ऊपर मैं कह रहा हूं मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को फ्लोर के ऊपर कह रहा हूं एहसास प्रोग्राम के तहत कल तक अलहमदुल्ला उनहत्तर लाख लोगों को छियानवे अरब रुपए उनहत्तर लाख लोगों को छियानवे कल तक मिले जिसमें सिर्फ सिंह के लोगों को 30 अरब रुपए मिले सर 30 अरब रुपए जो 25 लाख खानदानों को मिले मैं कहता हूं ये मुझे सिर्फ चैलेंज करता हूं पच्चीस हजार राशन दिखा दे ये कर क्या रहे सर ये वो कर रहे हैं वहां पे एक वेबसाइट बनी हुई है सिंध रिलीफ इनिशिएटिव के नाम से जिसमें सारी एनजीओ रजिस्टर्ड है सारी एनजीओ रजिस्टर्ड है वो अपना राशन बांटती है उसका डेटा उठा के ये लाके बताते हैं कि है इसके साथ साथ जो बाकी चीजें मैं आपको बता दू सर मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो भी मेम्बरान होते हैं हमारे मिनिस्टर हैं पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं ये उसके लेवल में आना चाहते नहीं आ सकते इन्होंने बात की मुराद सही की सर मैं खुद सोच रहा था हम सारे कराची वाले पीछे बैठ के सोचते इधर मुराद सईद खड़े होकर बात करते उधर बिलावल भाग जाता है फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार ये होता क्यों है उसके बाद समझ आया कि मुराद तो पठान है बिलावल डिफेक्टेड है इसलिए वो भाग जाता है रुकता नहीं है मैं मजबूर हुई मुझे मजबूर किया उसके बाद एक्सपंज किया जाए सर उसके बाद सर ये बात कर रहे थे थे सर एनएफसी वार्ड की बात कर रहे थे क्या कर कर सिंध कराची कर को नहीं देता कराची का क्या हाल किया हुआ है एनएफसी की बात करते हैं पीएफसी की बात क्यों नहीं करते ये पीएफसी की बात भी कर सर बात यह है ये चीजें यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की हुई है कराची को मुंजो दाड़ो बना दिया उन्होंने जो हाल कराची के लोगों के किया है वो पानी के साथ रोजा रखते पानी के साथ रोजा खोलते सर ये जुलम बंद किया जाए सर एटीन अमेंडमेंट फुल फोर खत्म की जाए बाकी जितनी अमेंडमेंट है उनको खत्म किया जाए पाकिस्तानी जितनी कौम है सर ये आपके साथ खड़ी है पाकिस्तान जिंदाबाद